रणबीर कपूर स्टारर मूवी संजू रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। एक एक्टिविस्ट पृथ्वी ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए इसके खिलाफ सेंसर बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई है। एक्टिविस्ट का कहना है कि फिल्म में भारतीय जेलों को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म के उस सीन को लेकर खासकर आपत्ति जताई जा रही है जिसमें बैरक का टॉयलेट ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 जून को प्रसून जोशी, रणबीर कपूर और फिल्म के मेकर्स को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया, फिल्म के ट्रेलर के एक सीन जिसके अंदर संजय दत्त को बैरक में बंद किया गया है जिसमें टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है, सूचनाओं के अनुसार सरकार और जेल प्रशासन की हर बैरक का ख्याल रखते हैं, हमने कभी भी इस तरह की घटना नहीं सुनी। इससे पहले भी जब गैंगस्टर को लेकर कई फिल्म बनाई है तो जेल के अंदर दिखाया गया है, ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ है। जेल का ये सीन भारतीय जेलों और जेल प्रशासन की गलत छवि बनाता है। इस पत्र में शिकायतकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि आपकी ओर से यदि इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हमारे सामने कोर्ट की शरण में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। बता दें कि ट्रेलर के जिस सीन की बात पर आपत्ति जताई गई है उस सीन में जेल के अंदर बंद संजय दत्त की बैरक का टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगता है। इसके बाद संजू को चिल्लाते हुए देखा गया। संजू बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की किरदार के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी बायोपिक बताई जा रही है। फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और ये मूवी इसी महीने के आखिरी में 29 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, दिया मिर्जा, विक्की कौशल और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको यही मिलेगी हर खबर सबसे पहले।